नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दशाश्वमेध रोड से गोदौलिया चौराहा तक के नज़ारे। और इस समय रात के 8 बज रहे हैं। यह दशाश्वमेध गोदौलिया मार्ग और सामने है श्री गुरु बृहस्पति मंदिर और उसी के ठीक सामने है आपका खिचड़ी बाबा मंदिर। तो दोस्तों, ये है खिचड़ी बाबा मंदिर जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और सामने है काशी विश्वनाथ सिंह द्वार। जैसा कि आप देख रहे होंगे सिंह द्वार है ये। और ये है पूरा गोदौलिया का मार्केट। इस समय रात के 8 बज रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जो कि अब धीरे धीरे अपने वाराणसी में भी अब रौनक आपको देखने को मिल रहा होगा और खासकर गोदौलिया मार्केट में। और ये कपड़े का काफ़ी प्रसिद्ध ये मार्केट है गोदौलिया। ये देखिए सामने है लक्ष्मी साड़ी घर, काफी प्रसिद्ध यह दुकान है। आप देख रहे होंगे जो कि एक संतुष्टि साड़ी घर भी है और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी गोदौलिया मार्केट में देखा जाए तो आधा दर्जन से अधिक जो साड़ी की दुकानें हैं काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है गोदौलिया मार्केट का। और आप देख रहे होंगे जो कि गोदौलिया मार्केट के जो दोनों साइड में जो दुकानें हैं ये कलर में इसको किया गया है। और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मारवाड़ी अस्पताल और उसी के ठीक सामने है मल्टी लेवल पार्किंग। तो चलिए आपको आगे से भी दिखाते हैं। और सामने है गोदौलिया चौराहा, आप देख रहे होंगे जो कि ऊपर नंदी जी विराजमान है। दोस्तों ये है गोदौलिया का मल्टी लेवल पार्किंग।
तो ये चौराहा है जो कि एक 22 साइड वाला रोड जो कि बीएचयू के लिए चला जाएगा और वही दाहिने साइड वाला रोड बुलानाला होते हुए मैदागिन के लिए चला जाएगा। आप देख रहे होंगे जो कि बोर्ड भी लगा हुआ है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी चला जाता है यह रास्ता आगे से घूमकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।